नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता त्यागी। रस शब्द के विभिन्न अर्थ और रस शब्द का अर्थ विकास तथा रस संप्रदाय का संक्षिप्त इतिवृत्त और महत्व आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। रस शब्द के विभिन्न अर्थ हैं। भारतीय वाङ्मय के प्राचीनतम शब्दों में सामान्य व्यवहार में इसका चार अर्थों में प्रयोग होता है। नंबर एक, पदार्थों का रस, अम्ल, तित्त, कषाय, कटु आदि। नंबर दो, आयुर्वेद का रस। नंबर तीन, साहित्य का रस। और नंबर चार, इससे ही मिलता जुलता मोक्ष या भक्ति का रस। प्राकृतिक रस में रस का अर्थ पदार्थ को निचोड़कर निकाला हुआ द्रव होता है, जिसमें किसी न किसी प्रकार का स्वाद होता है। जैसे नींबू का रस खट्टा होता है, गन्ने का रस मीठा होता है। इसी प्रसंग में रस का प्रयोग पदार्थ के सारभूत तत्व में और उसके आस्वाद में, दोनों में इसका, दोनों ही अर्थ इससे लिए जाते थे पुराने समय में। पदार्थ का जो सारभूत तत्व था वो भी रस कहलाता था और उसका आस्वाद भी रस कहलाता था। जैसे कि नींबू का रस जो द्रव पदार्थ होता है, तरल पदार्थ, वो भी रस कहलाता था, और जो उसका आस्वाद खट्टा होता है वो भी रस कहलाता था। ऐसे गन्ने का जो लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है, वो भी रस कहलाता था, और जो उसका टेस्ट होता है, आस्वाद होता है, उसको भी रस कहते थे, जो मिठास होती है। लेकिन धीरे धीरे इसके दोनों अर्थ स्वतंत्र रूप से विकसित हो गए। आयुर्वेद का रस एक जो माना गया है, आयुर्वेद के रस में उसके आस्वाद का ग्रहण नहीं होता रस के अर्थ में, बल्कि उसके गुण का ग्रहण होता है। पदार्थ रस जहाँ आस्वाद प्रधान होता है, वहीं आयुर्वेद का रस शक्ति प्रधान होता है। आयुर्वेद में रस का एक और भी अर्थ है, देह धातु, अर्थात शरीर में अंतर्भूत ग्रंथियों का रस, जिस पर शरीर का विकास निर्भर करता है। यहाँ भी शक्ति का ही प्राधान्य है। तीसरा प्रयोग है साहित्य का रस, जहाँ रस का अर्थ है काव्य सौंदर्य और काव्यास्वाद, अर्थात काव्यानंद। चौथा है मोक्ष रस या भक्ति रस, इसका अर्थ ब्रह्मानंद अथवा आनंद, आत्मानंद है। और भक्ति रस भी इसी, थोड़ा सा सिद्धांत भेद होने से, इसी अर्थ में लिया जाता है। रस संप्रदाय का इतिवृत्त यानी इतिहास अगर हम जानने का प्रयास करें तो पता चलता है कि रस सिद्धांत का प्रतिपादक प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र है, जो भरत मुनि की रचना के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें नाटक के संदर्भ में रस के अंगों उपांगों का पर्याप्त विस्तार से विवेचन किया गया है। और कुछ विद्वानों का तो मत ये भी है कि ये नाट्यशास्त्र एक संग्रह था और भरत नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं, बल्कि ये नाम एक काल्पनिक नाम है जो भरत के नाम से चला आ रहा है। यूं तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि भरत से पहले भी रस सिद्धांत की परंपरा चली आती रही होगी, लेकिन और भरत तक आते आते कम से कम उसे दो तीन शताब्दियों का समय लगा होगा, लेकिन भरत से पहले के युग का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। फिर भी भरत के ही साक्ष्य पर उनके ही ग्रंथ में उद्धृत कुछ श्लोक हैं, जिनके आधार पर पीढ़ियों से प्रवर्तित रस परंपरा की स्थिति को हम सहज ही स्वीकार कर सकते हैं। भरत के नाट्य शास्त्र द्वारा रस सिद्धांत का व्यापक रूप में परिवर्तन होने के बाद एक ओर उसका विरोध आरंभ हो जाता है और दूसरी ओर आचार्यों की एक श्रेणी रस परंपरा का विकास भी करती दिखती है। रसवादी परंपरा के प्रमुख आचार्यों में भरत के टीकाकार भट्ट लोलट और शंकुक आदि प्रमुख हैं, जिन्होंने रस सूत्र आदि की विस्तृत व्याख्याएं प्रस्तुत की और रस सिद्धांत का विकास किया। दूसरी ओर रस विरोधी धारा के प्रमुख आचार्य हैं भामहा, जो अलंकार संप्रदाय के संस्थापक हैं, दंडी, जो अलंकार संप्रदाय को ही आगे बढ़ाते हैं, वामन,
जो रीति संप्रदाय के प्रणेता है, उद्भट और रुद्रट, ये दोनों भी अलंकार संप्रदाय को आगे बढ़ाने वाले हैं। यद्यपि इनमें से प्रत्येक के रस विरोध में मात्रा का भेद है, फिर भी समग्र रूप से इन सभी का दृष्टिकोण रस संप्रदाय के प्रतिकूल ही रहा है। रस सिद्धांत का यह विरोध उनके अपूर्ण ज्ञान के कारण माना जा सकता है। रस सिद्धांत इतना व्यापक है कि वह लोक मंगल का विरोधी या प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता, और रागात्मक विश्रांति पर आधृत होने पर भी उचित सीमा के भीतर ही बुद्धि तत्व का बहिष्कार नहीं कर सकता। वह तो केवल इतना ही मानता है कि बुद्धि जहाँ राग से स्वतंत्र हो जाती है, वह कवित्व से भी उसका संबंध टूट जाता है। ऐसी स्थिति में यह विश्वास करना कठिन नहीं है कि इस प्रकार के विरोध स्थायी नहीं हो सकते, और रस सिद्धांत अपने व्यापक और विकासशील मानववादी आधार के कारण इस युग में ही नहीं, भविष्य में भी काव्य के मूल्यांकन का मानक सिद्धांत बना रहेगा।